जो बोला था पूरा करने का वक्त आ गया। आज हम लोग बात करेंगे कि मैंने बाइक कैसे लिया, फिर मैंने कैसे अफोर्ड किया अपने दम पे, ना घर का दम पे ना कुछ नहीं। मैं दिखाऊंगा, सॉरी बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे पैसे मिल सकते हैं, आप कैसे कैसे पैसे कमा सकते हैं। पहली बात तो ये दिमाग में डाल लो कि आप लोग कोई क्लास के नहीं हो। अगर तुम चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। आपको कुछ पैसे नहीं चाहिए, आपको कुछ चीज़ नहीं चाहिए। चाहिए क्या? दिमाग। अब बोलोगे भाई बहुत बड़े बड़े बातें कर रहा है, बहुत कुछ बोल रहा है, लेकिन भाई लिटरली बोलूँ मैं अपने फैमिली से कुछ भी नहीं लिया हूँ, एक रुपया भी नहीं लिया हूँ। मैं बस अपनों को मतलब कैसे री इन्वेस्टमेंट, कैसे पैसे को पैसे बनाना, पैसे को पैसा ही घिसता है जो बोलते हैं ना, वही सीन हुआ है मेरे साथ। पहला चीज़ तो ये कि री इन्वेस्टमेंट जो होता है भाई, देखो 10 रुपया भी मैटर करता है और 100 रुपये भी मैटर करता है। दूसरा चीज़ स्किल। तो मैं पहले अपने इनकम सोर्स के बारे में बात करता हूँ। पहला चीज़ तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट। अच्छा, आप कोई स्मार्ट सिटी के अंदर हो तो कोई ना कोई बंदा आपका होगा, फ्रेंड या उसके पापा होंगे जो स्टॉक में इन्वेस्ट करते होंगे। तो आप ये कर सकते हो, किसी से 10-20,000 स्टॉक के लिए लोन ला सकते हो और उनको दे सकते हो कि भाई तुम 10,000 ले, मेरे को कुछ ज़्यादा अमाउंट करके देना। और वो भी स्टॉक है तो ज़्यादा पीरियडिक मतलब डेली स्टॉक जो करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड है। तो मैंने बस वैसे ही कुछ किया था, मैंने एक फ्रेंड से लोन लिया था और मैंने दूसरे फ्रेंड को दिया था कि भाई तो स्टॉक में लगा ले, एंड उन लोगों को मत देना जो कि स्टॉक के बारे में नॉलेज ना हो और आपका पैसा लॉस करा दे। तो भाई दूसरा टॉपिक है अपना स्किल। देखो मैं एक्चुअली पढ़ता हूँ मैक भुवनेश्वर का मैक में, जिसमें मैंने एनिमेशन पढ़ा है, फोटोशॉप वगैरह जितने भी मीडिया वगैरह है मैंने पढ़ा है। अदरवाइज़ आप इंटरनेट पे भी जा सकते हो, यूट्यूब पे भरती है ट्यूटर्स, आपको जो चाहिए जैसा चाहिए आप सीख सकते हो आराम से। सीखने के बाद क्या होगा? पहला चीज़ फ्रीलैंसिंग। फ्रीलैंसिंग एक वेबसाइट है जो आपको स्टूडेंट लोग हो या नॉन प्रोफेशनल हो या जैसे भी स्किल के ऊपर वो काम आपको देता है। अगर आपके पास कोई स्किल है, आप कुछ जानते हो करने को, जैसे कि वेब डिज़ाइनिंग हो गया, फोटोशॉप हो गया, फोटोशॉप में लोगो डिज़ाइनिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, टाइप राइटिंग हो गया, आपको जो जैसा चाहिए आप वहाँ पर काम उठा सकते हो। लेकिन बीडिंग करना पड़ेगा थोड़ा है, वो आप वो भी चीज़ YouTube में मिल जाएगा, तो आप वो चीज़ देख सकते हो और उसमें भी पैसे कमा सकते हो। तो तीसरा चीज़ जिससे मैंने ज़्यादातर पैसे कमाए, मतलब गाड़ी खरीदने के टाइम, तो दूसरा टाइम स्टॉक्स एंड फ्रीलांसिंग भी होता ही है, वो है ये कैमरा एंड फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। तो भाई आपको अगर कैमरा चलाना आता है, वीडियोस बनाना आता है, तो आप जाके बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं उनके साथ बात करके आप काम कर सकते हो। पहले तो मैंने कुछ फ्री किए, जैसे कि मैं अपना काम दिखाना चाहता हूँ तो फ्री मैंने किया, देन फ्री करने के बाद चार्ज करने लगा, तो अभी धीरे धीरे करके चार्ज करते करते अभी पैसे कुछ तो आ ही रहे हैं। फिलहाल नहीं आ रहे क्योंकि लॉकडाउन है और मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ, और 15 दिन आप ही के साथ बैठना है इसी जगह और वीडियो बनाते रहना है। नहीं, हर दिन कुछ इन्फॉर्मेटिव नहीं होगा, बीच बीच में कुछ व्लॉग टाइप, मतलब रूम के अंदर क्या व्लॉग बना सकता हूँ भाई, फिर भी ट्राई करेंगे कुछ भी डाल देंगे। तो भाई थर्ड मेरा बड़ा इनकम ये था, मैं शादी मैरिज इवेंट्स सेरेमनी वगैरह में शूट्स पे जाता था, मैं शूट खुद करता था। ऑब्वियसली वो लोग छोटे लोग हैं, मतलब उतना बड़ा मैं स्टेज लेता नहीं था, मतलब छोटे लोग का ही करता था, वो लोग उतना नहीं पे कर सकता, तो मैं उनके लिए उन्हीं के हिसाब से बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करता था और खुशी खुशी वो लोग मेरे को पे करते थे। और मैं शादी में ऐसे करते करते बहुत पैसे कमाए। एंड सबसे लास्ट चीज़ भाई, लेजीनेस छोड़ भाई, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ही तो पैसा है, नहीं उठ सकते, नहीं कर सकते, ये सब छोड़ो भाई। पैसा है वो पैसा, मतलब पैसा लिटरली पैसा, समझ रहे हो पैसा क्या होता है?
भाई तुमको 100-100 के नहीं मिल रहा है, 50 रुपये 10 रुपये 10 रुपये का तुम जाके कोल्ड ड्रिंक्स भी पी सकते हो आराम से। जो तुम घूट लेते हो ना भाई, जो रिलैक्सेशन मिलता है कोल्ड ड्रिंक से, वो भी नहीं कर सकते अगर पैसा ना हो। तो भाई पैसा है तो लेजीनेस छोड़ो, सोना छोड़ो और कुछ काम करो। कोई आपको ऐसा पैसा नहीं देगा, आप सोते रहोगे, आप 15 हज़ार का फ़ोन पकड़ते हो लेकिन बोलते हो कि भाई मेरे पास चाउमीन खाने का पैसा नहीं। क्यों भाई, आज के डेट में है मिनिमम कोई 15 हज़ार का पकड़ रहा है, कोई 20 हज़ार का पकड़ रहा है, लेकिन बोलता है कि मेरे पास भाई 10 रुपया नहीं है। क्यों भाई, तुम लोग महीने का 300-400 रुपया बस इंटरनेट पे ख़त्म कर देते हो और बोलते हो भाई मेरे पास पैसा नहीं है। क्यों भाई। एंड द लास्ट चीज़, पैसा बचाना सीखो। अब देखो तुम्हारे पास 100 रुपया है, तुम इंस्टीट्यूट गए, बोले कि 100 ही रुपया है क्या कर लेंगे भाई, 10 रुपया तुमको जाने का लग रहा है, 10 रुपये तक आने का बच रहा है 80 रुपीज़, लेकिन तुमको बचाना नहीं है। तुम 10 रुपये इधर से गए, एक कोल्ड ड्रिंक्स पिए 20 रुपये का, तुम कुछ खाए 10 रुपये का, यहीं पर हो गया 30+40 40 रुपये यहीं पर ख़त्म हो गया। फिर आते आते फिर वही 40-50 रुपये ख़त्म हो, बचता है तुम्हारे पास 10 रुपये। और 10 रुपये जब बचता है आप देखते हो, बोल दो कि नहीं भाई 10 ही रुपया है क्या कर लेंगे, फिर से जाके कुछ घर से सामने लेके घर के अंदर घुसते हो। भाई ये नहीं करना है भाई, स्टूडेंट लाइफ है, ठीक है। कंफर्ट अगर ढूंढते रहोगे तो बाद में कंफर्ट आपका मारेगा, ठीक है, कंफर्ट मिलेगा ही नहीं। तो अभी स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा टफ कर लो, अगर कुछ चाहिए लाइफ में, कुछ लेना है, कुछ छोटा मोटा चीज़ है। मैं अपना मैं करीबन 6 महीने घिसा हूँ गाड़ी के लिए, तब जाके मेरे पास अभी गाड़ी है जो मैं आराम से भाई चला रहा हूँ, मतलब लिटरली चला रहा हूँ, मतलब वो चीज़ फील नहीं होती। यहाँ पर मेरा साइकिल, यहाँ पर मेरा साइकिल है, मैं इसको भी नहीं बुलाऊँ, ये अंदर है क्योंकि मेरे पार्किंग स्पेस नहीं है, तो मैं साइकिल भी यूज़ करता हूँ। तो 6 महीने में साइकिल ही मैं घसीटा हूँ कि भाई मैं साइकिल 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 साइकिल, तब जाके मेरे को भाई बाइक मिला है, ठीक है। अब अपना कंफर्ट जोन देखोगे, सारा का सारा पैसा ख़त्म करोगे भाई, तो लिटरली कुछ नहीं मिलने वाला। अब 100 रुपया में से आप बचा रहे हो 10 रुपया, वो भी ख़त्म कर दे रहे हो देख के कि 10 ही रुपया है, लेकिन अगर वहाँ पर तुम 80 रुपया बचा सकते हो, वैसे ही 1000 रुपया मिल रहा है कोई चीज़ के लिए, उसमें 200 रुपया खर्चा है, तो तुम जाते हो 100 रुपये का कुछ मील खा लेते हो या 200 रुपये का बिरयानी खा लेते हो, नॉट द सिचुएशन भाई। तुम 800 रुपया बचा सकते हो, और ऐसे ही करके वो बंदा 2 बार देता तो तुम्हारे पास 1600 रुपया हो गया, और 4-5 बार हो जाता है, 5 बार हो जाता है भाई 4000 आ गया, ठीक है। मैं ऐसा ही करके जब छोटा मोटा लोगोस वगैरह बनाता था, छोटा मोटा फोटोज एडिट करता था, तो मैं एक दिन में करीबन 1600 से 2500 तक मैं इनकम कर लेता था छोटा मोटा, क्योंकि लोगोस बनाना उतना टाइम लगता है नहीं, 15 से 20 मिनट, और कलर ग्रेडिंग भी उतना टाइम लगता है नहीं, तो भाई पैसे तो आ ही जाते होंगे। पैसे जोड़ जोड़ के ही मैं गाड़ी खरीदा हूँ भाई, वैसा नहीं है बैक सपोर्ट के कोई फेंक दिया। अब बोलोगे कि भाई हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, हमारे पास कैमरा नहीं है, ये नहीं कर सकते, तो मैं बोल रहा हूँ ना भाई, फ़ोन में भी बहुत कुछ कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग से लेके फोटोग्राफी से लेके वीडियोस बनाने तक, वीडियोस करने तक, बस आपके पास वो स्किल होना चाहिए। आप दिमाग में घुसा लो कि भाई मेरे पास फ़ोन है, हम फ़ोन ही यूज़ करेंगे, तो वो चीज़ कर सकते हैं, समझ रहे हो ना बात भाई। बस यही कुछ थे मेरी कहानी, मैंने कहाँ से पैसे लिया, मैंने कैसे पैसे अरेंज किया, पैसे कैसे जोड़ा। अब भाई दिमाग में अगर कुछ डालने का होगा तो डाल लेना, नहीं डालने होता मैं कुछ कर नहीं सकता। आप बोलोगे कि नहीं इतना ईजी नहीं होता, पता है मेरे को उतना ईजी नहीं होता, लेकिन करना पड़ता है, ठीक है। सिर्फ फ़ोन में बैठ के वीडियोज़ देख के मोटिवेट होना आजकल का यही ट्रेंड हो चुका है, लेकिन कोई कुछ करता है नहीं। संदीप माहेश्वरी सर का वीडियो सब देख लेते हैं लेकिन कोई अप्लाई करता नहीं है। मैं उनका वीडियो से ना 1% अप्लाई करता हूँ, बस 1% अप्लाई करता हूँ, और मैं आज यहाँ हूँ। अगर मैं 100% अप्लाई करने लगूँ तो भाई ज़िंदगी चेंज हो जाएगा मेरा, लेकिन उतना नहीं कर सकते ना, ईजी नहीं होता, सब लेजी हैं, सब सोते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिला होगा कि क्या किए कैसे किए। तो पहला चीज़ तो भाई जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम में फॉलो करो, और दोस्तों को भी शेयर करो और बोलो कि फॉलो करने के लिए। एंड देन ख़त्म करते हैं वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।